नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राधिका आप सभी का फनल लर्न में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको याद ही होगा कि अपने इंडियन गवर्नमेंट की कुछ बेसिक कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इस सेगमेंट में भी हम उन्हीं मिनिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस सेगमेंट की सबसे पहली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, इस मिनिस्ट्री का डिवीजन दो पार्ट्स में हुआ है। सबसे पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड। इस मिनिस्ट्री का काम है जनरल पब्लिक तक खाना पहुंचाना, वो भी रीजनेबल प्राइस पर, और फार्मर्स को डिजायरेबल रेट्स दिलवाना। इस मिनिस्ट्री का चार्ज अभी मिस्टर रामविलास पासवान के पास है। दोस्तों, हमारी अगली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। दोस्तों, इस मिनिस्ट्री का काम है इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में इंडियन एंटरप्राइजेस के लिए रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्म करना। इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर इंचार्ज हैं मिस्टर अरुण जेटली। दोस्तों, हमारी अगली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दोस्तों, ये मिनिस्ट्री बेसिकली उन एजेंसीज को सुपरवाइज करती है जो कि डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी और इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड हैं। इस मिनिस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट 15 अगस्त 1947 में हुआ था और इस मिनिस्ट्री की मिनिस्टर इंचार्ज हैं निर्मला सीतारमन। तो दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अपनी बाकी मिनिस्ट्रीज के बारे में हम अपने अगले सेगमेंट में बात करेंगे। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।